हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं जितेंद्र परिवार सांगरिया पेट शॉप से आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। लासा एप्सो की केयरिंग और ग्रूमिंग कैसे की जाती है आज मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये है लासा एप्सो पपी। कितना क्यूट होता है ये लास्ट एप्सो जो होता है, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल में यंग हो जाता है। 1.5 साल में होने के बाद इसके पूरे लॉन्ग हेयर होते हैं और जब हाइट से पूरे जमीन तक इसके प्रॉपर बाल रहते हैं। ये देख सकते हैं बच्चा जो है ये मेल पपी है और प्रॉपर ही हेल्दी बच्चा है। 52 डेज का बच्चा है, फर्स्ट वैक्सीन हो चुके हैं इसको और अभी भी मदर मिल्क ले रहा है। लास्ट एप्सो को जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 15 साल होता है। लासा एप्सो के अंदर 5 कलर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो आप देख रहे हैं, एक आता है ट्राई कलर को बोलते हैं व्हाइट ब्राउन एंड गोल्डन, एक आता है व्हाइट हनी और एक आता है प्योर व्हाइट और एक आता है पूरा ब्राउन। इसमें जो फीमेल का बॉडी वेट होता है 6 से 8 केजी होता है और मेल का होता है 8 से 9 केजी। लासा एप्सो की जो मेल की हाइट होती है वो 25 से 28 इंची होती है और इससे थोड़ी सी छोटी फीमेल होती है। मेल फीमेल में ज्यादा हाइट का फर्क नहीं होता है। लासा एप्सो जो बिलोंग करता है वो हिमालय से बिलोंग करता है और लासा एप्सो 1000 साल प्रोडक्ट ब्रीड है और लासा का मतलब होता है कि लासा मतलब कि तिब्बत की पवित्र सिटी और एप्सो का मतलब लॉन्ग हेयर डॉग। 14 दलाई लामा को इसका क्रेडिट जाता है अमेरिका में स्टडीज करने के लिए। लासा एप्सो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है और अपने आप में ही ये बहुत ज्यादा नीडर ब्रीड होती है। बहुत ही जल्दी ये ट्रेन भी होता है और घर के अंदर अपनी जगह बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। जो लोग इसे एक बार पाल लेते हैं वो हर किसी को रिकमेंड करते हैं कि आप एप्सो पाल लीजिए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो बनता है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और इसी से हम और नई नई वीडियोस लाते हैं। आज मैं आपको उसके न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि आप घर के खाने में से क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए जैसे पनीर, फटे हुए दूध का पानी, उबली हुई दाल, उबली हुई वेजिटेबल्स और चपाती और राइस, ये दीजिए आप इसे। और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसे बॉयल चिकन के साथ वेजिटेबल भी उबाल दीजिए आप इसके लिए और साथ के साथ आप इसे पनीर, फटे हुए दूध का पानी आदि, उबली हुई दाल, ये सब चीज़ें आप देखने से हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लासा एप्सो बच्चा मस्ती कर रहा है ये बच्चा और हम आपको बताएंगे इसकी ग्रूमिंग के बारे में कि ग्रूमिंग कैसे करनी है। 3 मंथ तक बच्चे को नहलाया नहीं जाता क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ब्रेक हो जाती है। तो आप ड्राई बाथ जो भी लेंगे फेस को छोड़ के पूरी बॉडी पे लगाना है, हाथों से मसाज करना है और स्पंजिंग टॉवल से क्लीन कर देना है और उसके बाद ब्रश करना है। आपको वीक में एक बार ही इसको ड्राई बाथ देना है, ठीक है जी, और ब्रश आपको दिन में 2 बार करना है। जैसे बच्चा यंग हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, जैसे जैसे यंग होने स्टार्ट होगा, उसकी यंग वाली एज आए, तो आप इसको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार नहला सकते हैं बस। और जब भी आप नहलाओगे तो प्रॉपर उसको टॉवल से सुखाओगे प्रॉपर, और उस सुखाने के बाद इसके कान को आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि क्लाइंट या हम लोग बच्चे को ऊपर से नहलाते हैं और फिर भी डॉग के अंदर स्मेल आ रही होती है क्योंकि हम इसके कान को क्लीन नहीं कर रहे होते, तो हमें इसके कान को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको छोटे बच्चे की ग्रूमिंग के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूँ बड़े डॉग्स के बारे में। बड़े डॉग्स को जब भी हम नहलाते हैं तो डायरेक्ट बॉडी पे शैम्पू ना छोड़ के डब्बे पे छोड़ डालिए उसको और पानी के अंदर घोलिए, उसके बाद बॉडी पे अप्लाई कीजिए, हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद प्रॉपर को शैम्पू को उतारना है, उतारने के बाद प्रॉपर सुखाना है। कई बार लोग क्या है धूप में छोड़ देते हैं सूखने के लिए, इसके कारण से बच्चे को स्किन प्रॉब्लम और बुखार होने के चांस हो जाते हैं। आपको प्रॉपर सुखाना है उसको और उसके बाद फिर ब्रश करना है। ब्रशिंग करने के बाद कभी भी आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम और क्या हेयर शेडिंग होना कभी भी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आपको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। लासा एप्सो को ट्रेनिंग देना बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसे ट्रेन करेंगे बहुत जल्दी आपकी बातों को मान लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्ती कर रहा है मेरे साथ और मेरे
मेरे फिंगर को च्यू कर रहा है, तो इसका मतलब इसके दांत निकल रहे हैं और इसको टीथिंग हो रही है और ये च्यूइंग करना चाहता है। तो इसके लिए आप स्नैक्स ला सकते हैं, सॉफ्ट स्नैक्स जो आते हैं वो लंबे हो, स्नैक्स छोटे ना हो। कई बार क्या है, ये निगल लेते हैं और इसको चॉक हो जाता है गर्दन के अंदर। तो आप स्नैक्स लंबा लाइए, टॉय लाइए, बोन्स लाइए। बोन्स भी आपको उसकी सॉफ्ट बोन लानी है या सॉफ्ट टॉयज लाने हैं जिसके कारण से ये इजीली खेल पाए। अगर आप हार्ड बोन लाते हो तो हार्ड बोन से इसके दांत टूटते हैं और दांत टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। तो हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग के लिए, जब जैसे आपको लगे। सबसे पहले सुसु ट्रेनिंग, इनके आजकल ट्रेनिंग पैड्स आ रहे हैं। ट्रेनिंग पैड्स में क्या होता है कि डॉग ने सुसु करा, जहाँ पर आपने उस शीट को गीला करा उनके सुसु से, और जहाँ आपको कराना है आपने उस ट्रेनिंग पैड्स की शीट को वहाँ रख दिया। देन जब बच्चे को खाना खिलाएंगे उसके पास, उसके आसपास आप घुमाएंगे तो डॉग मोशन करने उसी ट्रेनिंग पैड के ऊपर जाके मोशन करेगा और सुसु करेगा। सेकेंड मैं आपको बताऊँगा, जो इसका आपको लगता है बहुत ज़्यादा च्यूइंग करता है, तो जैसे बच्चा 4 मंथ्स का होता है तभी ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बच्चे की बेसिक ट्रेनिंग। तो 4 मंथ्स का होता है, हल्का सा स्किन से आपने उसको बोला और कोई आप मना करा, नो बेटा नो, और जैसे आपकी बात सुनता है तो इसकी फेवरेट चीज़ें जो होती है कि जराई आती है या कोई भी फूड आते हैं, पेट फूड आते हैं, इसका फेवरेट होता है, उसको तुरंत रिवॉर्ड के टाइम पर आप दीजिए और उसको प्यार से आपको उसको देना है, गुड बॉय, जैसे आपकी बात को मानता है। ये इसकी बेसिक ट्रेनिंग्स में आता है। आप चाहते हैं कि ये घर के अंदर किचन में ना जाए, तो किचन में जाते वक्त आपको उसको स्टिक लिए एक न्यूज़पेपर लेना है, उस पर अखबार न्यूज़पेपर को लेके उसको तेज की वहाँ पर इसके आसपास आपको मारना है फर्श पे, और ये थोड़ा उससे झेपेगा, डरेगा। तुरंत इसको एक रिवॉर्ड वाला कोई भी इसका ट्रेड दीजिए और उसको प्यार समझाइए, नो बेटे नो। तो ये धीरे धीरे आपकी हर बातों को समझना स्टार्ट कर देगा। डॉग को कभी भी मारना नहीं है, और मैं तो आपको कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे आपका स्ट्रेस बिल्कुल ही स्ट्रेस लेस हो जाएगा। अगर आपको लासा एप्सो की जानकारी पसंद आती है और आप लासा एप्सो के बारे में जानकारी और लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।